दोस्तों, वैसे तो आप लोगों के साथ में काफी सारे गुड़हल की कटिंग्स लगाना बताया है, लेकिन आज का जो वीडियो है वो ये मल्टी पेटल हिबिस्कस का जो प्लांट है उसकी कटिंग आप किस तरह से लगा सकते हैं और 100% रिजल्ट आपको किस तरह से मिल पाएगा वो सब चीजें बताऊंगी। और अगर आप बिगनर्स है और किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए एक नई कटिंग्स रेडी करने से पहले, वो सभी चीजें बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त प्रिया आपके ही चैनल DIY थिंग्स विद प्रिया में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए आपको बेल बटन पर भी प्रेस करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, कटिंग्स अगर आप जिस भी प्लांट से ले रहे हैं यानी जो मदर प्लांट है उसमें अगर फ्लावर आ रहे होंगे तो आपका जो कटिंग्स है वो रेडी तो होता ही है और बाद में उसमें जल्दी से फूल भी आने लगता है। लेकिन अगर आपका प्लांट ऐसा कंडीशन में है जिसमें फूल वगैरह नहीं आ रहे हैं या न्यू प्लांट है कोई ऐसा, तो आपके भी प्लांट में फूल आने के लिए टाइम लगेगा। तो ये शाम का वीडियो है जब मैं कटिंग्स लेने वाली हूँ इस प्लांट से। तो आप ऐसा ब्रांच लीजिए तो कम से कम अंगुली की तरह मोटा हो और बिल्कुल सीधा हो, इस तरह से आप लीजिए तो उसका जो है रिजल्ट काफी अच्छा रहता है। आप देख सकते हैं ये मल्टी पेटल वाला ही फ्लावर है, बस मैं ये शाम के टाइम में जो है फ्लावर इस समय आपको नहीं दिख रहे हैं। तो इस तरह की आप ब्रांच लीजिए, कभी भी तिरछी मुड़ी हुई इस तरह की डाली आप मत लीजिएगा, थोड़ा मैच्योर जो ब्रांच है वही लीजिए। और पहले ही बोला है कि फ्लावर वगैरह जिसमें आ रहे हैं जिस प्लांट से उसी से ही लीजिए। अब ये जो नोड एरिया है ना दोस्तों, ये नोड एरिया आपको ध्यान रखना है और उसके नीचे से थोड़ा सा आपको तिरछा यानी 45 डिग्री एंगल का कट लगाना है और ऊपर से 90 डिग्री यानी बिल्कुल सीधा, इस तरह की ही कटिंग आपको निकालना है। आप चाहे तो लीव्स रख सकते हैं एक दो और आप चाहे तो लीव्स को सभी को हटा सकते हैं। अगर आप प्रॉपर न्यू ग्रोथ चाहते हैं जैसा मैं चाहती हूँ, मैं हमेशा लगभग सभी जो लीव्स हैं उनको हटा देती हूँ, तो आप भी इस तरह से हटा सकते हैं। ये तो हो गई कटिंग्स रेडी करने की बात। अब बात करते हैं कि कटिंग की साइज मैंने कितनी रखी है। तो मैंने यहाँ पर लगभग 6 इंच जितनी ही कटिंग रखी है। नीचे से पेंसिल जिस तरह से स्कूल में छीलते थे ना वैसा छील लेना है हल्का सा, क्योंकि जो हमारा हिबिस्कस या गुड़हल की जो डालियां होती है वो थोड़ी सी हार्ड रहती है। इसलिए अब मैं यहाँ पर एलोवेरा का जो पत्ता है उसको काट कर लाई हूँ, थोड़ा सा बस जेल यहाँ पर लगा रही हूँ। एलोवेरा जो है रूटिंग हार्मोन जैसा ही काम करता है, अगर आपके पास रूटिंग हार्मोन नहीं है तो आप इसका यूज कर सकते हैं, इससे भी 100% रिजल्ट मिल जाता है। लेकिन इसको लगाने के बाद आपको कम से कम 5 से 7 मिनट या 10 मिनट तक आपको छोड़ना है, उसके बाद आप जो है लगाइएगा। तो हम यहाँ पर कटिंग को रेडी करके रखते हैं, तब तक हम दूसरे जो चीजें चाहिए वो देख लेते हैं, तब तक हमारे जो है 7 से 10 मिनट तक हो ही जाएगा। तो मैंने यहाँ पर जो गमला लिया है वो काफी छोटा है और बहुत सारे ड्रेनेज होल है इसके अंदर, क्योंकि अगर पानी जमा रहेगा तो भी दिक्कत रहती है। और यहाँ पर मैं नॉर्मल जो गार्डन सॉइल है वही ले रही हूँ, तो मैं पुरानी जो मिट्टियाँ रहती है गमलों की वही यूज कर रही हूँ। तो थोड़े बहुत आपको रूट्स वगैरह भी दिख रहे होंगे, आप चाहे तो न्यू जो मिट्टी वगैरह होती है वो भी आप ले सकते हैं, या अगर आप बिल्कुल भी कटिंग्स लगाने में बिगनर्स है तो आप जो है कोकोपीट का भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने जो ये सॉइल लिया है इसे अच्छे से सुखा लिया था और उसके बाद ही जो इसको मैं यूज में ले रही हूँ। दोस्तों, इसके अलावा भी एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो है वेदर। वेदर आप ध्यान रखिए, सबसे ज्यादा मैंने अभी तक जब भी कटिंग लगाया है मैंने देखा है फरवरी महीना सबसे अच्छा रहता है, उसके अलावा रेनी सीजन भी काफी अच्छा रहता है। और एक ये जो समय होता है ना जब मतलब सर्दी आने वाली होती है वो टाइम भी काफी अच्छा रहता है कटिंग्स लगाने के लिए। यहाँ पर मैंने साफ फंगीसाइड का जो है 1/2 चम्मच जितना पानी में मिक्स किया है और वही पानी मैं यूज में ले रही हूँ। दूसरा जो नॉर्मल वाटर है उसे मत लीजिएगा ताकि आपकी जो कटिंग्स है वो फंगस से ना खराब हो। अगर आपके पास फंगिसाइड नहीं है तो आप हल्दी पाउडर यूज ले सकते हैं। आप कम से कम 2 इंच जितना कटिंग्स को मिट्टी के अंदर डालिएगा और अच्छे से इसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि ये कटिंग्स बिल्कुल भी हिले नहीं। कटिंग्स लगाने के बाद में इसे डायरेक्ट धूप में नहीं रखना है, सेमी शेड में रखना है। आप कम से कम 1 हफ्ते तक तो सेमी शेड में ही रखिएगा ताकि जहाँ पर सिर्फ रोशनी आए
लेकिन धूप ना आए ऐसी जगह पे रखिए। ऊपर से भी मैं फंगिसाइड पाउडर लगा रही हूँ ताकि फंगस से मेरा प्लांट खराब ना हो। 20 दिन बाद का वीडियो देख रहे हैं, बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है क्योंकि अभी जो सीजन चल रहा है इस सीजन में आप बहुत अच्छे से कटिंग्स ग्रो कर सकते हैं। सिर्फ हिबिस्कस ही नहीं, आप किसी भी तरह की कटिंग्स इस समय लगा सकते हैं। ये जो टाइमिंग है यानी आप देख लीजिए, ना इस समय बारिश है और ना ही इस समय गर्मी है और ना ही इस समय प्रॉपर ठंड है, तो ये जो सीजन होता है बहुत अच्छा रहता है कटिंग्स लगाने के लिए। दोस्तों 30 दिन बाद का वीडियो आप देख रहे हैं, प्लांट की ग्रोथ काफ़ी अच्छी है, कटिंग्स बिल्कुल रेडी हो चुका है। मैं आप लोगों को जो है इससे निकाल कर भी दिखाऊंगी कि एक महीने में इसकी रूट्स कितनी जो है निकली है। वैसे मैंने वीडियो जब स्टार्ट किया था उस समय भी आप लोगों को बता ही दिया था थोड़ा बहुत। तो आप इस समय जो है अभी जो सीजन है इसके अकॉर्डिंग आप चाहे तो इसको न्यू गमले में भी सेट कर सकते हैं, ये बहुत अच्छे से सर्वाइव कर जाएगा। लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो हमें थोड़ा और वेट ना होता है, तब हम 40 दिन 50 दिन का प्लांट जो है उसको ट्रांसफर करते हैं किसी दूसरे जो गमला है उसमें। तो चलिए मैं जो है इसको मिट्टी से निकालने के बाद में आप लोगों को थोड़ा सा वॉश करके भी दिखा देती हूँ कि कितनी जो है रूट्स निकली है। आप इस तरह से अभी जो सीजन है इस समय आप कोई भी कटिंग्स लगा सकते हैं, अभी ना बहुत ज्यादा ठंड आई है और ना ही गर्मी है तो आपकी कटिंग्स बहुत इजीली लग जाएगी। बिगनर्स अगर आप है तो इस समय कटिंग्स लगाइए, अच्छे से लगेगी क्योंकि अभी के जो टाइम है बारिश में भी काफ़ी बार हमारी कटिंग्स खराब हो जाती है, तो ज़रूर से आप भी अपने प्लांट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों मेरा आज का वीडियो। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए आपको बेल बटन पर भी प्रेस करना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही किसी नई वीडियो के साथ।